नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी शामिल हुए नायक सूबेदार के अंतिम संस्कार में। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण हुए अंतिम संस्कार में शामिल। नायक सूबेदार के अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब। सेना द्वारा नायक सूबेदार को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। नायक सूबेदार का एक 8 साल का मासूम बच्चा है जिसने पिता को मुखाग्नि दी। राजनीतिक लोगों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मृतक नायक सूबेदार के 2 छोटे भाई भी हैं। सेना में कार्यरत शिव कुमार सेना में नायक सूबेदार के पद पर तैनात था। कुछ दिन पूर्व छुट्टी लेकर वह अपने परिवार से मिलने मथुरा आए हुए थे। जैसे ही नायक सूबेदार की छुट्टी खत्म हुई तो वह अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जैसलमेर राज्य राइफल जा रहे थे। तभी रास्ते में नागौर के समीप कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई जिसमें शिव कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि शिव कुमार 2007 में सेना में भर्ती हुए थे। शिव कुमार का पूरा परिवार देश की सेवा में लगा हुआ है। शिव कुमार के पिता भी सेना से रिटायरमेंट ले चुके हैं और 2 छोटे भाई भी सेना में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। सड़क हादसे में शिव कुमार की मौत की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया। शिव कुमार मूल रूप से मथुरा के हातिया के निवासी हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से परिवार के साथ ETV फैक्ट्री के सामने शिवनगर में रह रहे थे। मथुरा से कैमरामैन कालीचरण बिंदल के साथ ठाकुर ब्रजवीर सिंह जादू की रिपोर्ट।